यदि अवगुणों को अपनाना ही निस्वार्थ प्रेम की परिभाषा है तो गुणों की महत्ता क्या है? अवगुणों को जानकर उनकी वृत्ति में गुणों का प्रभुत्व अधिक करें, यही गुणों से आशा है। नमस्ते, अगेन गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिशन गुरु में। सब लोग दोबारा से एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत गजब के टॉपिक के साथ आपके सामने मैं आ गया हूँ और हमारा टॉपिक अब जो चलेगा बिल्कुल नया टॉपिक, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन। ट्रांसपोर्टेशन मतलब परिवहन, परिवहन। हमारा जो पढ़ने हम जा रहे हैं वो ट्रांसपोर्टेशन पढ़ने जा रहे हैं, यानी परिवहन हम पढ़ने जा रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, परिवहन पढ़ेंगे। सब लोग बहुत ध्यान से जुड़ जाइए, सब लोग बहुत ध्यान से जुड़ जाइए। इसके बारे में आपसे चर्चा कर लेते हैं मित्रों, इसके बारे में आपसे चर्चा कर लेते हैं, इसके बारे में आपसे चर्चा कर लेते हैं ना, बहुत खूबसूरत तरीके से चर्चा करेंगे। एक बार सब लोग शेयर कर सकते हैं तो कर दीजिए, जल्दी जल्दी कर दीजिए अगर आप शेयर कर सकते हैं तो। हम बात कर रहे हैं परिवहन के बारे में, यानी कि हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। तो आपको जानकारी होगी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो चार तरीके से होता है। कौन कौन से चार तरीके हैं वो? नंबर एक तो आपको पता ही है, रोड ट्रांसपोर्टेशन होता है। रोड ट्रांसपोर्टेशन, रोड ट्रांसपोर्टेशन का मतलब सड़क परिवहन। सड़क परिवहन आप उसको कह सकते हैं, सड़क परिवहन, सड़क परिवहन, जिसमें आप नेशनल हाईवेज की बात करेंगे, पीडब्ल्यूडी की बात करेंगे, है ना, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। दूसरा होता है आपका रेल ट्रांसपोर्टेशन। रेल ट्रांसपोर्टेशन, इसमें आप रेलवे जोन्स की बात करेंगे, मुख्य रेलगाड़ियों के बारे में बात करेंगे और जो भी पेपर में आते हैं उनके बारे में हम इसमें बात करेंगे, यानी आप इसको कह सकते हैं रेल परिवहन। हिंदी में आप इसको रेल परिवहन कह सकते हैं। तीसरा हम बात करने जा रहे हैं मित्रों इसके अंदर, तीसरी इंपॉर्टेंट बात, देखो पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब लोग शेयर कर दीजिए इसको ज्यादा से ज्यादा, एयर ट्रांसपोर्टेशन। इसमें हम हवाई अड्डों की बात करेंगे, हवाई जहाज की बात करेंगे, किन देशों के साथ किस तरीके से हमारा संबंध है इसको लेकर के बात करेंगे। एयर मतलब हवाई परिवहन, हवाई परिवहन इसकी बात करेंगे मित्रों हम। और चौथी बात जो हम करेंगे, लास्ट बात, वो करेंगे वाटर ट्रांसपोर्टेशन। वाटर ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में आपसे चर्चा करेंगे, मतलब कि इसको आप क्या कह सकते हैं, जल परिवहन कह सकते हैं। जल परिवहन आप इसको कह सकते हैं, जल परिवहन, इसको आप जल परिवहन कह सकते हैं, ठीक है। इसमें मैं सबसे पहले आपके सामने स्टार्ट कर लेता हूं, सबसे पहले मैं आपके सामने स्टार्ट कर लेता हूं और वो है हमारा पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट हमारा होने जा रहा है और वो फर्स्ट पॉइंट है सड़क परिवहन। सड़क परिवहन यानी कि रेल रोड ट्रांसपोर्टेशन। रोड ट्रांसपोर्टेशन इसको हम आपके सामने चर्चा करने जा रहे हैं। सब लोग बहुत ध्यान से जुड़ जाइए भैया, बहुत ध्यान से, गजब के लोग हैं भाई, शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। मैं आपके कमेंट्स को देख रहा हूं, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को, मैं बहुत इत्मीनान के साथ में तसल्ली बख्श तरीके से पढ़ाऊंगा। आप लोग बहुत इत्मीनान से जुड़े रहिएगा, बहुत ध्यान से आप सब लोग क्लास को करते रहिएगा, क्योंकि बहुत गजब पढ़ाने जा रहा हूं, बहुत अच्छा पढ़ाने जा रहा हूं। पेपर में आप सेम तरीके के सवाल लॉजिक के साथ में वहां देखेंगे आप। पहला सवाल यहां से क्या हो सकता है, पहला सवाल क्या हो सकता है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं भैया। फर्स्ट क्वेश्चन जो यहां से हो सकता है भैया, आपसे पूछता है बताइए लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग। तो लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे मतलब कि राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, ऐसे आपसे सवाल करता है। तो इसका उत्तर मित्रों, नेशनल हाईवे 7, नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे 7, या फिर आप इसको क्या कह सकते हैं, NH यानी नेशनल हाईवे 94, आप इसको ये भी कह सकते हैं, NH 94 भी कह सकते हैं। ये कितना लंबा है, इसकी जो लंबाई है मित्रों वो है 2369 किलोमीटर, 2369 किलोमीटर इसकी लंबाई है, लेंथ है इसकी। इसके अलावा दोस्तों ये कहां से कहां तक जाता है, तो वाराणसी से, वाराणसी यानी बनारस पुराना नाम से, कैप कैमोरिन, कैप कैमोरिन, कैप कैमोरिन का मतलब है कुमारी अंतरीप, कुमारी अंतरीप, कैप कैमोरिन कह लीजिए, कुमारी अंतरीप कह लीजिए, या फिर आप इसको
कन्याकुमारी इसका पुराना नाम ये भी कह सकते हैं, कन्याकुमारी भी आप इसको कह सकते हैं। तो वाराणसी से कन्याकुमारी के लिए जाता है, 2369 किलोमीटर लंबाई है, नेशनल हाईवे 7 इसका नाम है, NH-94 भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है और रोड ट्रांसपोर्टेशन के अधीन हमने पहला पॉइंट पढ़ा है। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, जब सब लोग बहुत जल्दी से स्क्रीनशॉट मार दीजिए। चलिए आ जाते हैं दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं आपसे आगे, बी पॉइंट पे चलते हैं, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को कंप्लीट करा के चलेंगे, बिल्कुल भी घबराना नहीं आपको, है ना, बिल्कुल भी घबराना नहीं, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। चलिए अगले पॉइंट पर आते हैं और हम स्मॉलेस्ट की बात करेंगे, आपसे स्मॉलेस्ट की बात करेंगे, स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटे वाले की बात करेंगे, स्मॉलेस्ट सबसे छोटे वाले की बात करने जा रहे हैं। सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, बी पॉइंट है हमारा, स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे। आप सब लोग कमेंट भी करते रहिए साथ के साथ, है ना, स्मॉलेस्ट नेशनल हाईवे यानी सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, ऐसा करके सवाल आता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्रों NH-47A, ये वाला है। इसकी लंबाई मात्र 9 किलोमीटर है मित्रों, इसकी जो लंबाई है, डिस्टेंस जो दूरी है, इसकी जो लेंथ है वो मात्र 9 किलोमीटर है। इसके अलावा ये कहाँ पे, ये कोच्ची में ही है, कोच्ची से ही शुरू होता है, कोच्ची में ही खत्म हो जाता है, कोच्ची से ही शुरू होता है, कोच्ची में ही खत्म हो जाता है। ठीक है, क्लियर है, चलिए बहुत अच्छे। दूसरा सवाल आता है, बताइए ये जो परिवहन है ये कब चालू हुआ, तो ये हुआ नियोलिथिक एज में यानी नवपाषाण काल में, जब मानव ने पहिए की खोज की थी, आपने एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया में पढ़ा होगा। तो ये भी यहाँ तीसरा सवाल भी इंपॉर्टेंट में यहाँ पे लगा के आपको बताता हूँ कि भैया ये भी आता है आपसे कि बताइए कब परिवहन चालू हुआ, तो पहिए की खोज जब हुई तभी चालू हो गया, पहिए की खोज होने के साथ ही डिस्कवर्ड ऑफ व्हील कब हुआ था, नवपाषाण काल नियोलिथिक एज में ही परिवहन स्टार्ट हो गया था, परिवहन भी तभी स्टार्ट हो गया था, बिल्कुल तभी स्टार्ट हो गया था। क्लियर है ना, क्लियर है, बोलो। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से भी, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लीजिए। चलिए बहुत अच्छे, ले लिया ना, बहुत अच्छे, चलिए बहुत अच्छे भाई, गजब के लोग हैं। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ, हम नेशनल हाईवे पढ़ा ही रहे हैं, आपको जानकारी है। अब तीसरे पॉइंट पर हम बात करते हैं, सी पॉइंट पर मैंने सारा कुछ हटा दिया, अब सी पॉइंट पर हम लोग बात कर लेते हैं, सी पॉइंट की बात कर लेते हैं मित्रों। सी पॉइंट ये पता चल गया ना आपको, सारी चीज़ पिछली वाली क्लियर है ना, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये सारा कुछ आपको मालूम है। ठीक है, हम आगे की बात कर रहे हैं ना, नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम इसको, चलो ऐसा करते हैं ना, इसको यहीं पे मिटा लेते हैं, फिर बात करते हैं आपसे, यहीं इसको रफ कर लेते हैं। अब पूरे पे लिखने के बाद में जब आपसे स्क्रीनशॉट पूरा एक साथ लेने के लिए हम कह देंगे, इसको सारा रफ कर लेते हैं। चलिए मित्रों आगे कहानी चलाते हैं आपसे। अब तीसरा सवाल आपसे आता है कि बताइए सबसे पहले जो रोड बनी, मेजर रोड बनी सबसे पहले, वो कब बनी, उसका क्या कोई लिखित प्रमाण मौजूद है तो बताइए। तो वो जो डी आपके सामने जो चीज़ है वो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट मेजर रोड पहली सबसे बड़ी जब रोड बनने के लिए तैयार हुई, यानी कि ऐसा छोटी मोटी सड़कें तो बनती रही होंगी, लोग बनाते रहे होंगे कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए बना लीजिए, 2 किलोमीटर का रास्ता इसको सही कर लीजिए, लेकिन मेजर रोड एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने के लिए कोई रोड बनी तो वो कब बनी, ऐसा करके सवाल आता है। तो ये जो रोड बनी, ये रोड बनवाई थी शेर शाह सूरी ने। आपको इस रोड की पूरी कहानी मालूम है मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी सारी कहानी आपसे चर्चा करता हूँ। ये कहाँ से कहाँ तक थी, कोलकाता से पेशावर तक, जब शेर शाह सूरी ने बनवाई थी तो कोलकाता से पेशावर, वर्तमान में पेशावर पाकिस्तान में है। ठीक है, तीसरा इसकी जो ये पॉपुलर किस नाम से थी, ये अंग्रेज आए तो इसको पॉपुलर किया उन्होंने ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से पॉपुलर किया, जिसको आप क्या कहते हैं शॉर्ट में जीटी रोड आप इसको कहते हैं। फिर दोस्तों इसके बाद में आपसे ये पूछ लेता है कि बताइए अभी इसका क्या नाम है, अभी इस रोड का क्या नाम है, तो नेशनल हाईवे 1 एंड नेशनल हाईवे 2 को मिलाकर के अब ये है। दोस्तों अभी कहां से कहां तक है, तो कोलकाता से वाघा बॉर्डर तक है, वाघा बॉर्डर। जब ये शेर शाह सूरी ने बनाई थी ना, तो कोलकाता से भी वो हिस्सा था जो अभी वर्तमान बांग्लादेश में है, यानी उसने बांग्लादेश, वर्तमान परिस्थिति की बात करें तो बांग्लादेश से चालू करी थी और पेशावर यानी पाकिस्तान में जाके छोड़ी थी। अब भारत में ना तो इस धर का ये वाला सिरा रहा,
ना भारत में इसका ये वाला सिरा रहा है। तो हमने कोलकाता, क्योंकि कोलकाता का बहुत सारा एरिया, उधर हम बांग्लादेश की बात करें तो पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश, वो एक ही वहाँ पे एरिया पहले कभी भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। ठीक है मित्रों, क्लियर हो गया आपको। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके आगे बढ़ते हैं कि इसी के बारे में बताते हैं कि इसी के बारे में थोड़ा सा आपको आगे बताते हैं कि भैया ये जो PWD है ना, PWD इसका निर्माण कब हुआ। तो ये हुआ मित्रों लॉर्ड डलहौजी में। ई पॉइंट यहाँ पे लगा लेता हूँ, ई पॉइंट, अब इंपॉर्टेंट बात आ रही है, ई पॉइंट में यहाँ पे लगा लेता हूँ, ई पॉइंट लॉर्ड डलहौजी के टाइम की बात कर रहा हूँ। लॉर्ड डलहौजी, इंग्लिश ज्यादा तो नहीं हो रहा ना, समझ में आ रहा है ना आप सबको, ये बिल्कुल साफ साफ है, हिंदी में बोल रहा हूँ ना, इसको लिख रहा हूँ, आसानी से लिख रहा हूँ, सब समझ में आ रहा है। लॉर्ड डलहौजी, इंग्लिश से घबराया मत करिए, इतनी आप आसानी से चीजें आपको समझ में आ जाती हैं। तो लॉर्ड डलहौजी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो लॉर्ड डलहौजी ने किसको बनवाया, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। अगर आप इसकी सारे पहला लेटर लेंगे तो CPWD, किसने निर्माण कराया, तो लॉर्ड डलहौजी ने इसका निर्माण कराया था। ये क्या करता है CPWD, ये क्या बनाता है, नेशनल हाईवेज बनाता है भारत में। CPWD का काम क्या है, नेशनल हाईवे बनाना, वर्तमान में भी ये है, तो नेशनल हाईवे बनाना इसका काम है। जो क्या करता है, जो किसके द्वारा मेंटेन किए जाते हैं, बनाता कौन है, CPWD, और उसको मेंटेन कौन करता है, तो उसको मेंटेन करता है मित्रों, मेंटेन करने की अगर बात आ जाती तो उसको मेंटेन करता है NHAI, मतलब नेशनल हाईवे। एक बार शेयर कर दीजिए सब लोग, देखो ऐसे अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आपको केवल पढ़ना ही तो है, सारी मेहनत तो मैं कर रहा हूं आपके लिए, आपको केवल पढ़ना है। आप अच्छा रेस्पॉन्स देंगे, बहुत गजब का पढ़ाऊंगा, चीजें सारी क्लियर हो जाएंगी। पेपर में बिल्कुल यहीं से सवाल आते हैं, लोगों को मालूम ही नहीं है किताबों में किस तरीके से चीजों को लिखा जाए, तो यहाँ बिल्कुल हमने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे आपके लिए नोट्स पूरी तरीके से अच्छे तरीके से तैयार किए। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, आप सब लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूँ मित्रों, इसको हटा देते हैं, आगे बढ़ जाता हूँ इसमें, और इंपॉर्टेंट सवालों के बारे में आपसे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। बढ़िया खूबसूरत सवाल बता रहा हूँ, सुंदर सवाल बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, गजब के रोड है भाई, गजब के रोड है और गजब के लोग हैं दोस्तों। जो स्टेट्स होते हैं ना, जो राज्य होते हैं, राज्यों में सड़क कौन बनाता है, तो राज्यों में अगर थोड़ा सा देखें तो कौन, हमने ई यानी ई पॉइंट तक कर लिया था, चलिए ठीक है, तो हमने अभी एफ पॉइंट पढ़ना है, तो वहाँ पर बनाता है SPWD, फुल फॉर्म आप समझिए, स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, राज्य लोक निर्माण विभाग। ठीक है, राज्य लोक निर्माण विभाग, ठीक है, राज्य लोक निर्माण विभाग करता है, मैंने हिंदी में भी आपकी तसल्ली के लिए लिख दिया। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सड़कें हैं, आपसे पूछे किस राज्य में सर्वाधिक सड़कें हैं, तो महाराष्ट्र में सर्वाधिक सड़क जाल कह सकते हैं आप इसको, महाराष्ट्र में। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे आप इसको, लॉन्गेस्ट रोड कवर एरिया आप इसको कहेंगे। ठीक है, क्लियर हो रहा है दोस्तों। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय, अभी जो है हम अगला पॉइंट जी पढ़ रहे हैं, किसके समय पे, अटल बिहारी वाजपेयी, ये भारत के कौन रहे थे, ये भारत के प्रधानमंत्री रहे थे, पूर्व प्रधानमंत्री भारत के रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के समय पे जो 4 मेगा सिटीज कौन कौन सी भैया, दिल्ली और मुंबई और चेन्नई और कोलकाता, इनको जोड़ने के लिए, जैसे मान के चलिए यहां पे दिल्ली है, यहां पे अपना मुंबई हो गया, यहां चेन्नई हो गया और यहां कोलकाता हो गया, तो ये दिल्ली मुंबई चेन्नई और कोलकाता, इनको जोड़ दिया आपस में, इनको जोड़ दिया
मुंबई से जोड़ दिया दिल्ली को सड़क मार्ग के द्वारा, मुंबई से जोड़ दिया चेन्नई को, चेन्नई से जोड़ दिया कोलकाता को, कोलकाता से जोड़ दिया दिल्ली को। इसको बोला गया, ये जो आपके सामने बन गया, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, स्वर्णिम चतुर्भुज, चतुर्भुज आकार है ना, इस कारण से चतुर्भुज योजना किसके समय में शुरू की गई थी, ऐसा सवाल आता है। ठीक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी की, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, गोल्डन, इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसको पेन चेंज कर लेता हूं, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके समय में लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, सब लोग जल्दी से ले लीजिए, सबने ले लिया, बहुत अच्छा, चलिए ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं, इसमें आगे बढ़ता हूं, अच्छा अच्छा सवाल मैं आपको करा रहा हूं, अच्छा अच्छा सवाल करा रहा हूं। ठीक है, इसी में जी पॉइंट में अभी आगे बढ़ेंगे, अभी जी चल रहा है हमारा, जी पॉइंट चल रहा है, जी में ही आगे बढ़ जाते हैं, जी पॉइंट में ही आगे बढ़ते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं दोस्तों। नॉर्थ से साउथ को यानी उत्तर से दक्षिण को, वे कहां से, ईस्ट से वेस्ट को यानी पूर्व से पश्चिम को और जोड़ दिया गया। कैसे, मतलब देखो ध्यान से, जैसे मान के चलिए यहां हम पहुंच गए नॉर्थ, यहां साउथ में, यहां वेस्ट में, यहां ईस्ट में, नॉर्थ साउथ वेस्ट और इधर ईस्ट, इनको भी जोड़ा गया, कहां से कहां तक, यहां नाम है, ये जो शहर है यहां पे, श्रीनगर जम्मू कश्मीर, श्रीनगर कहां पे है, जम्मू एंड कश्मीर में यूनियन टेरिटरी है। सिलचर कहां पे, असम में, ठीक है, सिलचर असम में, ईस्ट में, और साउथ में कहां पे, कैप कैमोरिन तमिलनाडु में, कन्याकुमारी, ठीक है, स्पेलिंग पे ज्यादा आप फोकस मत करिए, ठीक है, समझ में आना चाहिए। पोरबंदर गुजरात में क्या किया गया कि इनको जोड़ दिया गया, यानी नॉर्थ से जोड़ दिया गया साउथ को और वेस्ट से जोड़ दिया गया ईस्ट को, ये योजना, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, इसको भी जोड़ा गया, और इसको जो जोड़ दिया गया वो भी किसके सामने जोड़ा गया, किसके समय में जोड़ा गया, तो वो भी जोड़ा गया दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी के समय में। और ये जो दोनों जहां पे काटती थी, ये जो जगह थी, ये जगह है झांसी। झांसी कहां पे है, उत्तर प्रदेश में झांसी है, तो वहीं पे ये दोनों आपस में काटती हैं, उत्तर प्रदेश झांसी में ये आपस में एक दूसरे को काटती है। ठीक है, चलिए, बहुत खूबसूरत, सबको आ रहा है समझ में, ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय में इसको शुरू किया गया था, सबके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। ये था हमारा क्या चीज, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, किस चीज का, रोड का, यानी कि सड़कों का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम आपने पढ़ लिया। ठीक है, सबको अच्छा लग रहा है, एक बार सब लोग शेयर करिए जरा, सब लोग ठंडे मत बैठे, शेयर करो भैया, सब लोग शेयर करो, बहुत गजब का बढ़ा रहा हूं यार, आप ऐसी बात कर रहे हैं, आप ढीली बात कर रहे हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। चलिए स्क्रीनशॉट मारो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो जल्दी। तो कितना गजब का यार कॉन्सेप्ट दे रहा हूं मैं आपको, है ना, आप ऐसी बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को आगे बढ़ाता हूं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम रेल ट्रांसपोर्टेशन पर आ जाते हैं। गजब के सवाल है भाई, गजब के, बहुत जोरदार सवाल है, रेल ट्रांसपोर्टेशन पे आ जाते हैं, गजब के सवाल है। ठीक है, रेल ट्रांसपोर्टेशन पे। ठीक है, चलिए अभी हमारा क्या टॉपिक हो गया, रेल ट्रांसपोर्टेशन। आप इसको कहेंगे मित्रों रेल परिवहन की गजब की थ्योरी आपको बताने जा रहा हूं, सुंदर सवाल आपके सामने रखने जा रहा हूं, रेल परिवहन से जुड़े हुए बढ़िया सवाल आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। ठीक है, चलिए, ट्रेन इंजन को किसने बनाया था ऐसा करके मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट सवाल मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। सब लोग बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से, बहुत गंभीरता से चीजों को समझते रहेंगे। ठीक है मित्रों, बहुत गंभीरता से समझते रहेंगे। तो जॉर्ज एस्टीवेंशन
वेंसन, इन्होंने क्या किया था, रेल इंजन का आविष्कार किया था। रेल इंजन का आविष्कार अगर आपके पेपर में पूछ ले कि बताइए रेल इंजन को किसने बनाया, रेल इंजन का आविष्कार, रेल इंजन का आविष्कार इन्होंने किया था, जॉर्ज स्टीव वेंसन ने। ठीक है दोस्तों, डीजल इंजन का इस्तेमाल किसने किया था, डीजल इंजन को किसने बनाया था, तो रुडोल्फ डीजल ने बनाया था, रुडोल्फ डीजल ने, रुडोल्फ रुडोल्फ डीजल, इन्हीं में से डीजल चुरा लिया गया। ठीक है, इन्होंने क्या बनाया, डीजल इंजन बनाया, डीजल इंजन बनाया। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि बताइए भाप इंजन किसने बनाया, तो जेम्स वाट ने, जेम्स वाट ने क्या बनाया, भाप इंजन, स्टीम इंजन, भाप इंजन बनाया जेम्स वाट ने। ठीक है, आ रहा है ना समझ में। अब आपको सवाल आता है कि भारत का पहला रेलवे ऑपरेशन कहां हुआ, सबसे पहली रेल की थी वो कहां पे चली, फर्स्ट रेलवे, रेलवे होती है रेल की पटड़ी, ठीक है, जिस पर रेल चलती है, तो वो कहां, मुंबई से थाने, मुंबई से थाने के लिए चली, मुंबई से थाने के लिए चली, और मुंबई से जो थाने के लिए जो रेल चली थी, इस मुंबई से थाने जाने वाली रेल की जो मार्ग की जो लंबाई थी वो मात्र 34 किलोमीटर थी, मात्र 34 किलोमीटर थी, और इस समय भारत में कौन था वाइसरॉय, तो लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी था इस समय। और कब की बात है, 1853 की बात है, 1853 की बात है, अप्रैल 1853 की बात है। डेट आप लोगों को याद होगी, आपको हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, आपको पढ़ा रहा हूं केवल और केवल क्या चीज है, ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, इतना बता रहा हूं तो ये आप अपने ऊपर एहसान मानिए। चलिए नेक्स्ट पे आता हूं, नेक्स्ट अगली चीज पे आता हूं, अगली चीज पे आता हूं भैया। लॉर्ड कर्जन ने अलग से रेलवे डिपार्टमेंट बनाया 1901 में। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड इनके नाम सामने लगा हुआ है, क्या कर सकते हैं, तो कैसे लॉर्ड हो जाएंगे भला, लॉर्ड कर्जन, हिंदी में लिख रहा हूं भाई मैं, आपकी स्पेशल डिमांड है तो मेरे को प्रॉब्लम है, आपको मालूम है हिंदी में, तो लॉर्ड कर्जन कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपके लिए सब कुछ सहेंगे। अलग से, अलग से रेल विभाग, अलग से रेल विभाग, अलग से रेलवे डिपार्टमेंट किसने बनाया, लॉर्ड कर्जन ने, कब, 1901 में। ठीक है, ऐसे सवाल आएगा आप कर लेंगे, बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक है भैया, अकॉर्डिंग टू द एक्वर्थ कमेटी रेल बजट सेपरेटेड फ्रॉम मेन बजट इन 1925। रेल बजट अलग से कब बना, अलग से रेल बजट कब बना, अलग से रेल बजट, तो अलग से रेल बजट बना 1925 में, किस कमेटी की रिपोर्ट पे, एक्वर्थ कमेटी की रिपोर्ट पे, एक्वर्थ कमेटी की रिपोर्ट पे क्या हुआ था, अलग से, अलग से, इसमें इंपॉर्टेंट है, अलग से रेल बजट का निर्माण, अलग से रेल बजट बनाया गया, अलग से रेल बजट कब, 1925 में। ठीक है, क्लियर, आ रहा है समझ में, चलिए बहुत अच्छे। अब भारत में जो रेल है ना वो तीन प्रकार की है, भारत में रेलवे जो है वो तीन प्रकार की है। रेलवे मतलब रेल की पटड़ियां, जब भी रेलवे का मतलब आता है तब उस ट्रेन को मत समझा करिए, उस पटरी को समझिए। तो भारत में तीन प्रकार की रेल है, पटरी है मतलब, भारत में तीन प्रकार की, तीन प्रकार की रेलवे है, तीन प्रकार की रेलवे मतलब तीन प्रकार की पटरियां हैं, चौड़ाई के हिसाब में होती है, कोई कम चौड़ी कोई ज्यादा, कोई, तो तीन प्रकार की, कौन कौन सी है बताता हूं मैं आपको, एक बार स्क्रीनशॉट लेना इसका, सब लोग जल्दी से ले लीजिए, हो गया, चलो ठीक, चलिए चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं, अगले पॉइंट पे चलते हैं, बहुत आराम से बताएंगे, बहुत बढ़िया बताएंगे ना, उसमें आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, कुछ भी सवाल छूटेगा नहीं आपका, है ना, कोई सवाल नहीं छूटेगा आपका, कोई भी सवाल नहीं बचेगा, कोई सवाल आपका बचेगा नहीं, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, कोई भी सवाल नहीं बचेगा, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर आपको पढ़ना है, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पढ़ना ना, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर पढ़ना, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर। कौन कौन से तीन टाइप है भैया, एक है आपका ब्रांड रेलवे, ठीक है, ब्रांड गेज भी कह सकते हैं आप उसको, ब्रांड गेज, हिंदी में भी यही है, ये चौड़ाई इसकी कितनी होती है, 1.762 मीटर, इतनी चौड़ाई होती है, ठीक है। दूसरा है मेटल गेज, इसकी कितनी होती है, पूरा 1 मीटर होती है। और तीसरा है नैरो, नैरो गेज, इसकी कितनी होती है, 0.670 मीटर, इतनी होती है, या फिर 0.762 मीटर, इतनी भी होती है, ठीक है। तीन तरीके की ये
चौड़ाई है, ब्रांड है, मेंटल है और नैरो है। 1992 में जो रेलवे जो था उसका कंप्यूटराइकरण हुआ। आपसे पूछता बता रेलवे का कंप्यूटराइजेशन कब हुआ, तो रेलवे का कंप्यूटराइजेशन ऑफ रेलवे कब हुआ, 1992 में। ठीक है, रेलवे का पेपर में सवाल आया है कंप्यूटरीकरण कब हुआ, 1992 में, 1992 में। ठीक है, इसके अलावा भारत में रेलवे के जोन कितने हैं, तो भारत में रेलवे के कितने जोन हैं, एक नया जोन अब बन गया, पहले 17 थे अभी कितने हो गए, भारत में रेलवे जोन कितने हो गए, 18 हो गए। ठीक है, भारत में रेलवे जोन कितने हो गए हैं, 18 रेलवे जोन हो गए। ठीक है, भारत में अभी कितने रेलवे जोन हो गए भैया, 18 रेलवे जोन हो गए। अभी इन 18 रेलवे जोन्स की थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं, इन 18 रेलवे जोन्स की आपसे थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं। ठीक है ना, चलो जी एक एक करके बात करते हैं, 18 रेलवे जोन्स की एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके आपसे एक एक करके रेलवे जोन्स की बात करते हैं। चलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम थी शायद साउंड में, तो हमने उसको ठीक किया। चलिए, तो भारत में रेलवे जोन कितने, 18 रेलवे जोन है, यहां तक मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है ना भैया, 18 रेलवे जोन भारत के अंदर है। ठीक है, अब जो नॉर्दर्न रेलवे जोन है वो लार्जेस्ट रेलवे जोन है। जो नॉर्दर्न रेलवे जोन है, नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है मतलब उत्तरी रेलवे जोन, उत्तरी रेलवे जोन कैसा, सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है, ऐसा करके पूछ लेगा सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है, तो हमारा कौन सा है, उत्तरी रेलवे जोन है। और सबसे छोटा कौन सा है, पूर्वी, जो पूर्वी रेलवे जोन है वो सबसे छोटा है, सबसे छोटा। अच्छा, नया कौन सा बना है, इसके बारे में अगर मैं आपसे चर्चा करूं, नया जो बना है एक बार कमेंट बताओ कौन सा वाला नया बना है, सब लोग बताओ कौन सा वाला रेलवे जोन नया बना है, 18वां जो मैं लिख रहा हूं, तो 18वां रेलवे जोन जो नया बना है उसका नाम है, नया रेलवे जोन जिसको हम 18वां कह रहे हैं। आपसे कमेंट में क्या कर रहे हैं आप लोग, कमेंट चेक करता हूं मैं आपके। बिल्कुल बोलिए, सदर्न कोस्ट रेलवे है, बिल्कुल सही बात है, दक्षिणी तटीय रेलवे। ठीक है, सदर्न कोस्ट, COAST है ना, COAST रेलवे, ये 18वां नया रेलवे जोन बना है। तो ये कहां पे है, विजयवाड़ा डिवीजन। क्लियर है, यहां पे अभी तक ये कहां आता था, तो ये अभी तक साउथ सेंट्रल में आता था, यानी कि दक्षिण केंद्रीय में ये आता था अभी तक, ये अभी नया बना है। ठीक है, आइए अगले सवाल की चर्चा आपसे करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। चलिए बढ़ता हूं मैं आगे, बहुत गजब गजब की चीजें पढ़ा रहा हूं मैं, बहुत गजब की इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, चलिए सब लोग जुड़ जाइए, बहुत अच्छे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे ये कहता है कि बताइए वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और यूपी, जो ये जो तीन राज्य हैं, इनमें एक से ज्यादा रेलवे जोन है, किन राज्यों में एक से ज्यादा रेलवे जोन नहीं है। ऑप्शन आएंगे चार, आपको पता होना चाहिए कि वेस्ट बंगाल में एक से ज्यादा है, यूपी में एक से ज्यादा है और महाराष्ट्र में एक से ज्यादा है। इसके अलावा जो भी ऑप्शन आ जाए वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि वेस्ट बंगाल यूपी महाराष्ट्र, यहां या इन राज्यों में एक से अधिक रेलवे जोन है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपसे और सवाल क्या आता है कि बताइए सबसे बड़ा प्लेटफार्म कौन सा है, कमेंट करना जरा, सबसे बड़ा प्लेटफार्म
सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। प्लेटफॉर्म कौन सा? पहला वाला P1। रेलवे में जाते हैं तो होता है ना, पहले प्लेटफॉर्म दूसरा प्लेटफॉर्म, ऐसे P1 सबसे बड़ा है। कहाँ का? विश्व का। और कौन कहाँ पे? गोरखपुर में। गोरखपुर में कहाँ का सबसे बड़ा है? वर्ल्ड लार्जेस्ट है, ठीक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट है, यूपी में है। प्लेटफॉर्म नंबर P1 कहाँ पे? गोरखपुर में। ठीक है मित्रों, क्लियर है? आपको आ रहा है समझ में? ठीक है भैया, सबको आ रहा है ना समझ में? चलिए बहुत अच्छे, गजब गजब। दोस्तों आपसे ये पूछ लेता है कि बताइए सबसे बड़ा जो रूट कवर करती है वो कौन सी गाड़ी भारत में करती है? सबसे बड़ा रूट कौन सी गाड़ी भारत में कवर करती है? सबसे बड़ा रूट कौन सी गाड़ी कवर करती है? तो वो करती है विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस सबसे बड़ा रूट कवर करती है, लॉन्गेस्ट रूट। गाड़ी का नाम है विवेक एक्सप्रेस, लॉन्गेस्ट रूट कवर करती है। ठीक है मित्रों, लॉन्गेस्ट रूट कौन सी गाड़ी कवर करती है? तो विवेक एक्सप्रेस करती है। कहां से कहां तक? डिब्रूगढ़ असम से, डिब्रूगढ़ असम से कहां तक करती है भैया? तो कैप कैमोरिन, कैप कैमोरिन कहां पे? कैप कैमोरिन कहां पे? तमिलनाडु में। कैप कैमोरिन तमिलनाडु तक का ये जो रास्ता है इसको ये कवर करती है। ठीक, क्लियर है? दिखाई दे रहे ना आपको अच्छे तरीके से? सबको आ रहा है समझ में? वेस्ट बंगाल में है, यूपी महाराष्ट्र में, यहां से एक से ज्यादा रेलवे जोन है। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म यूपी के P1 गोरखपुर वाला है, विश्व का सबसे बड़ा है। विवेक एक्सप्रेस जो है वो सबसे बड़ा रास्ता तय करती है, डिब्रूगढ़ आसाम से चलती है और कैप कैमोरिन तक चलती है। ठीक है, चलिए अब मैं आपके सामने थोड़ा सा चर्चा कर लूं अपना जो रेलवे जोन कहां कहां पर है इसका, एक छोटा सा हम आपके सामने एक नक्शा ड्रॉ कर लेते हैं, आसानी से चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलिए बना लेते हैं भैया। सबसे पहले यहां पे आ जाइए, थोड़ा सा इसको रफ कर लेंगे, एक बार स्क्रीनशॉट लेना है इसको, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, चलिए जल्दी ले लीजिए, फिर उसको रफ करके आराम से बनाएंगे। ठीक है, हो गया? ठीक है, ओके। चलिए इसकी थोड़ी छोटी चर्चा हम आपसे कर लेते हैं, इसको हटा लेते हैं, इसके बारे में पूरा आपको बताते हैं कौन सा रेलवे जोन कहां पे। ठीक है, सबकी चर्चा कर ले रहे हैं आपसे, सब लोग बहुत ध्यान से इसको समझेंगे भाई। यहां आ गए हम, यहां आ जाते हैं, यहां बनाते हैं चित्र को, बहुत बढ़िया सुंदर सा चित्र बनाएंगे। नॉर्थ रेलवे, यहां आ गए हम सबसे पहले, यह है नॉर्थ, थोड़ा छोटा लिखता हूं, नॉर्थ रेलवे, उत्तरी रेलवे, RLY में जहां लिख दूं आप समझ जाना रेलवे लिखा हुआ है। ठीक है, RLY शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, RLY नॉर्थ रेलवे। ठीक है, इसका कहां पे कमांड, कहां पे इसका? दिल्ली में, दिल्ली में। ठीक है, ऐसे ही आप इस पर थोड़ा नीचे बढ़ेंगे तो यहां आ जाएंगे उत्तर मध्य रेलवे, उत्तर नॉर्थ मिडिल रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, नॉर्थ मिडिल रेलवे, इसका कहां पे है? तो अलाहाबाद, अलाहाबाद में। ठीक है, अलाहाबाद में इसका। ठीक है, क्लियर है आपको? अलाहाबाद कहां? यूपी में। ठीक है, यूपी लिखने की आवश्यकता नहीं, पता होना चाहिए अलाहाबाद यूपी। चलो इसके आगे आप आ जाएंगे, आगे पहुंचेंगे यहां पे, इसी लाइन को ही आगे बढ़ा लेते हैं, इसी लाइन को ही आगे आगे बढ़ा लेते हैं ना, इसी लाइन को ही आगे बढ़ा लेते हैं, इसी पटरी को आगे बढ़ा लेते हैं भैया, इसी पटरी को आगे बढ़ा रहे हैं और आप यहां पहुंच जाएंगे। कौन सी जगह आप पहुंच गए? सब पहले इसको लिख लेते हैं अपना साउथ रेलवे, साउथ रेलवे कहां पे? चेन्नई, चेन्नई में, तमिलनाडु में। ठीक है, फिर यहां पे कौन सा है? साउथ मिडल रेलवे, यानी कि दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद तेलंगाना में, सिकंदराबाद तेलंगाना, सिकंदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, यहीं पे जो नया बना है उसको भी हम लिख लेते हैं, साउथ कोस्टल, साउथ कोस्टल रेलवे, विजयवाड़ा, विजयवाड़ा। ठीक है, नया वाला जो बना है। ठीक है, यहां इसको लिख लेते हैं, आगे चलते हैं। फिर चार हमने कंप्लीट कर लिए, अब इधर से आ जाओ, इधर से यहां पे आ जाओ, वेस्टर्न रेलवे पे आ जाओ, अब वेस्ट रेलवे, वेस्ट रेलवे इसका कहां पे? इसका कहां पे भैया? मुंबई में, मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए आप इससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे, इससे आगे बढ़ जाइए तो यहां पे आ जाएगा आपका WMR, यानी WMR समझ गए, वेस्ट मिडिल रेलवे। तो वेस्ट मिडिल रेलवे जबलपुर मध्य प्रदेश में,
जबलपुर मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए आगे आप बढ़ जाइए, यहाँ से आगे आप बढ़ जाइए, ईस्टर्न रेलवे पे पहुँचा देते हैं आपको। ईस्टर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे कहाँ है इसका? ईस्टर्न रेलवे का कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता, कोलकाता दिखाई दे गया ना, कोलकाता, चलिए कोलकाता में। इसके आगे आप पहुँच जाएंगे तो ईस्ट मिडिल रेलवे, ई एम आर, ईस्ट मिडिल रेलवे, और कहाँ पे? बिलासपुर, बिलासपुर, बिलासपुर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, सॉरी हाजीपुर बिहार में, ये बिलासपुर में तो अगला आएगा, ये हाजीपुर बिहार में, सॉरी क्षमा करना, हाजीपुर बिहार, ये हाजीपुर बिहार, वो साउथर्न जब दूसरी कोस्टल लाइन निकालेंगे वहाँ भी है, मेरे को थोड़ा यहाँ पे दिक्कत हो गया, कोई बात नहीं, सब लोग देख लीजिए ध्यान से, सब लोग ध्यान से देख लीजिए, हाजीपुर, हाजीपुर बिहार, बिहार, ठीक है, हाजीपुर बिहार। अब मैं पेन चेंज करके बाकी को बनाता हूँ, बाकी को पेन चेंज करके बनाता हूँ, ठीक है, इतना क्लियर है आपको। अब बाकी को बना लेते हैं इस वाले पेन से, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। यहां पे आ जाइए, ये नॉर्थ वेस्ट रेलवे, जयपुर राजस्थान, जयपुर राजस्थान, नॉर्थ वेस्ट रेलवे कहां पे? जयपुर राजस्थान। इसको आगे बढ़ा लीजिए, बिल्कुल केंद्र से गुजारिएगा इसको यहां से, और इसको ले जाइए यहां पे, यहां पे ले जाइए, ये जो पॉइंट यहां पे बन गया ये कौन सा हो गया? ईस्ट कोस्टल रेलवे, ईस्ट कोस्टल रेलवे, भुवनेश्वर उड़ीसा, भुवनेश्वर उड़ीसा, ठीक है, क्लियर है आपको, अच्छा लग रहा है ना। चलिए आगे यहां पे, इसको आप क्या कहेंगे? ई एम आर, और इसके ई एम आर क्या कह सकते हैं आप इसको? आप इसको कहेंगे एस एम आर, एस एम आर भी नहीं कह सकते, एस एम आर टू कह लीजिए, क्योंकि ये भी साधारण मिडिल ही है, एस एम आर टू, कहां पे? बिलासपुर, बिलासपुर छत्तीसगढ़, बिलासपुर छत्तीसगढ़, मुझसे ढक रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मैं हट जाऊंगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, बिलासपुर छत्तीसगढ़, कोई डाउट तो नहीं। आगे बढ़ता हूं मैं, इसको अलग पेन से बना लेता हूं, इसको अलग पेन से बना लेता हूं, रेड पेन से बना लेते हैं, यहां पे आ जाइए, डब्ल्यू एस आर यानी वेस्ट सदर्न रेलवे, कहां पे? हुबली, हुबली में, ठीक है, केरल में, हुबली में, ठीक है, हुबली केरला में। इससे आप आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल मिडिल से निकलिएगा, बिल्कुल मिडिल से, और आप यहां पहुंचाएंगे तो कहां पहुंचेंगे? एन ई आर, एन ई आर मतलब नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, कहां पे? गोरखपुर, गोरखपुर यूपी में, ठीक है मित्रों, गोरखपुर यूपी में आप पहुंच जाएंगे, क्लियर हो रहा है आपको। ये जो बिल्कुल मिडिल पॉइंट है यहां पे, इसको आप कहेंगे उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं अलग पेन से, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे, ठीक है, मुझसे ढक रहा है आप, मैं हट जाऊंगा अभी दो मिनट के लिए, आप उसको ले लीजिएगा, ठीक है। कहां पे? असम मेलगांव, मालेगांव, इस तरीके से लिख लीजिए, ठीक है, क्लियर हो रहा है। एक आप किसको कह सकते हैं? मेट्रो को कह सकते हैं, दिल्ली मेट्रो के अंदर आ सकते हैं, ठीक है, क्लियर है आपको, सबको दिखाई दे रहा है। चलिए भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग, सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, गजब, गजब, जोरदार भाई, बहुत जोरदार तरीके से मैंने आपको पढ़ा दी है चीजें, बहुत जोरदार तरीके से पढ़ा दी, बहुत जोरदार तरीके से पढ़ा दी। कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं आपसे इसमें, कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, कुछ बढ़िया बढ़िया जोरदार सवाल पूछ लेते हैं, इसको हटा के जोरदार सवाल, सब लोग उत्तर देंगे ना, सब लोग उत्तर देंगे। अब मैं आपसे दो चीज़ों से आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, एक मैं आपसे क्वेश्चंस पूछने जा रहा हूं रोड से, और एक मैं पूछने जा रहा हूं आपसे रेलवे से, ठीक है, रोड से और रेलवे से। बताइए भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है? सब लोग उत्तर देंगे, भारत का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है? सब लोग उत्तर दीजिए, बताइए। पहला सवाल आपसे पूछा मैंने, भारत का सबसे बड़ा हाईवे कौन सा है, नेशनल हाईवे, जल्दी कमेंट करिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, गजब गजब, नेशनल हाईवे 7, ठीक है, एनएच 7, या आप इसको क्या भी कह सकते हैं, एनएच 94 भी कह सकते हैं, ठीक है, एनएच 94 भी कह सकते हैं, एनएच 94। सबसे छोटा बता दो, सबसे छोटा, सबसे छोटा बताओ ना भैया, सबसे छोटा बताओ, सबसे छोटा एनएच 47A, ठीक है, एनएच 47A, क्लियर, बहुत जोरदार। चलिए अगला कमेंट करेंगे, अगला
अगले सवाल का कमेंट करेंगे, आप सब लोग कमेंट करेंगे अगला सवाल सब लोग जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे, सब लोग जल्दी जल्दी से कमेंट करेंगे अगला सवाल कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस प्रधानमंत्री के समय में बनी थी, बताइए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, कमेंट करिए प्रधानमंत्री का नाम जल्दी जल्दी कमेंट करिए। बहुत अच्छे, गजब, जोरदार, बहुत अच्छे भाई, गजब के इंसान है बच्चा, ठीक है, यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी, बहुत अच्छे अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है बिल्कुल। चलिए अगला सवाल मेरे को बताइए, अगले सवाल का उत्तर दीजिए, रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था, रेलवे इंजन का आविष्कार किसने किया। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, बहुत गजब, गजब के लोग, बेहद खूबसूरत, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, बताइए, बहुत अच्छे भाई, गजब, जॉर्ज एस्टीवेंशन, गलत थोड़ा स्पेलिंग हो गया, कोई बात नहीं है, जॉर्ज एस्टीवेंशन, ठीक है। और भाप इंजन बता दो, जेम्स वाट ने किया था, क्लियर हो रहा है सबको। बताओ सबसे पहले रेलवे का अलग से बजट कब बनाया गया, किस सन में बनाया गया, बताओ किस सन में अलग बनाया गया, 1901, 1925, 1905, बताओ जल्दी कब बनाया गया, 1925 में, बहुत भाई, बहुत गजब के उत्तर दे रहे हैं आप लोग। चलो बताओ भारत में कितने तरीके का रेलवे होता है, एक तरीके का, दो तरीके का, तीन का या चार का, 1, 2, 3, 4 कमेंट करो जल्दी, 1, 2, 3, 4 कमेंट करिए ना, बहुत जल्दी से सब लोग करिए, बहुत बढ़िया, तीन तरीके का होता है, ठीक है, क्लियर है। अब मैंने आपसे देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल पूछ लिए, यहाँ पे मैंने आपसे पूछ लिया, पहले आपसे पूछ लिया बताओ सबसे बड़ा कौन सा है, तो आपने बता दिया सबसे बड़ा भैया कौन सा है, नेशनल हाईवे 7 है, ठीक है। मैंने सबसे छोटा भी आपसे पूछ लिया, सबसे छोटा भी आपको समझ में आ गया, सारी चीज क्लियर हो गई। मैंने पूछा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसके समय में चली, तो अटल बिहारी वाजपेयी भी आपको सारा कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर मैंने आपसे पूछा बताइए रेलवे इंजन किसने बताया, जॉर्ज एस्टीवेंशन, आपको पूरा बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, सही है, समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है ना आपको सारा, चलिए खूबसूरत, नहीं दिखाई दे रहा क्या, समझ आ रहा है, बोलो आपको, ठीक है। और फिर जेम्स वाट के बारे में बता दिया, और मैंने ये भी बता दिया आपसे, 1925 और 3 को भी आप देख रहे हैं, ठीक है ना, जेम्स वाट ने भाप इंजन बनाया, और 1925 में रेलवे बजट अलग हुआ, और तीन तरीके का रेलवे पाया, ठीक है। चलो इतना ही आपको आज पढ़ाते हैं, इतना ही कंप्लीट कर लेते हैं, आपसे मुलाकात करेंगे अब कल सुबह 8 बजे वाली क्लास के अंदर, मैथ वाली क्लास के अंदर, गजब की क्लास होती है सुबह 8 बजे, डेली क्लास होती है मैथ की, ठीक है। उसके बाद 9 बजे करंट अफेयर्स की होती है, शाम को 5 बजे रीजनिंग की होती है, और रात को 8 बजे जीके की क्लास होती है, जबरदस्त, डायनामाइट, जिंदाबाद वाली, ठीक है। ओके, नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय।